हे एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियन ज्योति ब्लॉग। आई नो इस टाइम सब लोग जो है साफ़ सफाई में ही लगे पड़े हैं। आई थिंक कुछ लोगों की तो हो भी गई होगी। आप लोगों ने अभी करी या नहीं करी मुझे कमेंट में बताना। दिवाली की सफाई जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है भाई। मुझे नहीं पता, पता नहीं किसने ये रूल बनाया कि दिवाली पर सफाई करनी है। शायद लक्ष्मी माता आती हैं इसलिए हम लोग इतना साफ़ सफाई करते हैं। तो बस किचन की सफाई जो है बहुत ज़्यादा वाली मेन होती है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। किचन की सफाई में इतना टाइम लगता है ना, इतना तो मतलब पूरा घर हो जाए इतना टाइम तो एक किचन में लग जाता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं धुलने धुलाने की और साफ़ करने की, और अकेले तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस ये पता है अभी रात का टाइम हो रहा है, खाने से फ्री होने के बाद मैं लगी थी किचन की सफाई में। मैंने सोचा अभी थोड़ी कर देती हूँ, थोड़ी जो है कल कर देंगे, क्योंकि एक साथ फिर हो नहीं पाता और मेरी हालत हो जाएगी ख़राब, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी देखना होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज ना ये बाहर बाहर जितना भी आउटर एरिया है ना, ये सारा सनमाइका, इसको जो है अच्छी तरह क्लीन कर देते हैं, और बाकी जो अंदर के बर्तन है नीचे का पूरा जो है ना वो कल कर दूंगी। ऊपर का जो है वो आज कर देती हूँ, जितना हो पाएगा उतना कर दूंगी। ऑलरेडी 9:30 का टाइम ऐसे कुछ हो गया था, खाना वाना करने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। फिर सारे धुले बर्तन थे वो हटाए, और यहाँ जीनू भी आके देख रही थी बार बार, मम्मा भूत बन गए आप कह रही थी। एक्चुअली पता क्या हुआ, इसमें स्प्रे में ना थोड़ी स्मेल आती है, बट ये स्प्रे है बहुत अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने पूरा कवर कर लिया अपना मुँह। स्प्रे ना थोड़ा सा केमिकल वगैरह तो होता ही है इनमें, तो इसलिए फिर, बट ये बहुत अच्छा है, मतलब सारे जो भी होते हैं ना दाग धब्बे सारे छुटा देता है। ऑयल के जितने भी होते हैं ऑयल के सारे दाग धब्बे सब साफ़ कर देता है। तो ये मैंने होम ग्लो से परचेज़ किया था, चिमनी क्लीनर। आप लोगों को ऑर्डर करना है तो इंस्टा पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, मेरी एक रील है जो कि वायरल हो गई थी होम ग्लो की, तो आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर होम ग्लो के पेज पे जाके इंस्टाग्राम पे ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। एंड बस यहाँ पे कर दिया ना साफ़ सफाई स्टार्ट। चिमनी को अच्छे तरीके से पहले इसको स्प्रे करके 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। सारे पे मैंने स्प्रे कर दिया सबसे पहले, उसके बाद मैंने साफ़ करना जो है स्टार्ट किया कपड़े से। कोई भी कपड़ा लेके बस 2 मिनट में ही जो है सारा ना चमका देता है क्लीनर। तो मैंने सोचा पहले बाहर का कर लेती हूँ। पता है नीचे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये गंदा होगा, मतलब वाइट है ना देखने में तो सही लगता है, अच्छा लगता है, बट जब ऊपर चढ़ी ना मैं सामने से देखा तो येल्लो सारा पड़ गया था ऊपर से। क्योंकि किचन में कितनी भी चिमनी हो कितना भी कुछ हो, बट ऑयल के जो धुआँ वगैरह होता है वो पूरे में जाता है किचन में, तो गंदा तो हो ही जाता है। तो इसलिए फिर पूरी सनमाइका को अच्छी तरह फिर मैंने चमकाया, ऊपर अच्छी तरीके से साफ़ किया, और ऊपर करने के बाद फिर मैं उतर आई थी नीचे, और सारे जो डब्बे हैं ना ऊपर के कप ग्लास वगैरह जो हैं इस ऊपर के सारा मैंने साफ़ कर दिया था। उस साइड का हो चुका है, इस साइड के रह गए थे डब्बे, तो इनको धो रहा के जो धोने वाले उनको धो के, जो डेली यूज़ के वो गंदे थे ही नहीं तो उनको भी पोंछ के रख दिया। क्योंकि ऑलरेडी मैं जो पास में है ना सारा वो तो मैं डेली करती रहती हूँ, जैसे पास में जो डब्बे रहते हैं ना उनको तो उतार के कर लेते हैं, बट जो ऊपर का रह जाता है वो कभी कभार ही हो पाता है, और यूज़ में चीज़ आती रहती है तो वो तो साफ़ होती रहती है, बट जो यूज़ में नहीं आती है कप वगैरह प्लेट्स तो वो गंदी हो जाती है। इसलिए मैंने ज़्यादा पता है आइटम रखा भी नहीं है, बर्तन वगैरह कम ही रखे हैं, जितने यूज़ के होते हैं उतने ही रखे हैं, क्योंकि फिर इतना साफ़ करने को जाता है और करना हम ही है तो फिर क्या फ़ायदा इतना रखो फालतू का। तो जितना यूज़ में आता है बर्तन उतने ही रखे हैं, बाकी मैंने बेड वगैरह में रख रखे हैं अभी। तो बस अब चिमनी का नंबर लगा दिया तो ऊपर से तो क्लीन हो गई थी, और चिमनी मैंने कुछ टाइम पहले करी भी थी, 9 रातों में करी थी क्लीन, तो इतनी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, तो मैंने बाहर से ही जो ऊपर से इसमें मार दिया था स्प्रे, और देखो एकदम सारे साफ़ हो गए, ऑयल के जो दाग धब्बे थे ना सारे हट गए। मेरा मुंह देख रहा है कितना पसीना आने लग गया था, मतलब इस टाइम पे मौसम बिल्कुल सही हो रहा है, बट फिर भी मेरे को इतना पसीना आ रहा था, फ़ैन भी चल रहा था बाहर, बट जैसे काम वाम करो ना तो मतलब पसीना वसीना हो ही जाता है। और ये ब्लॉग पता है थोड़ा सा पहले का ही है, मैंने सफाई तो क्लियर कर ली है सारी, ऑलमोस्ट सब डन हो चुकी है, बट ब्लॉग ये डालने का टाइम नहीं मिल पाता एडिट करने का, तो ये थोड़ा सा लेट ब्लॉग जा रहा है हमेशा की तरह। एंड ब्लॉग अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन, उसको लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया रहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सामने जो स्विच बोर्ड थे सारे, जो किचन के स्विच बोर्ड जितने भी थे ना वो सारे मैंने क्लीन कर दिए, इससे एकदम से ही साफ हो गए। बट वैसे ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है स्विच बोर्ड साफ़ करने में, बट इसको डाल के मैंने एक बार ट्राई किया बट कुछ नहीं हुआ, ईजिली साफ़ हो गए। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ना आँखों पे गिर रहा था ये, तो फिर आँखें बंद कर करके मुश्किल से किया, क्योंकि इसमें हल्का सा ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें केमिकल वगैरह है, तो इसको
ग्लव्स वगैरह पहन के ही यूज़ करना चाहिए सॉलिड स्प्रे को, बट कोई नहीं, मेरे को आदत नहीं है ना ज़्यादा मुंह कवर करके करने की, क्योंकि घुटन सी होने लगती है ना अंदर, एक जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो कि कपड़ा बांध के साफ़ कर लेते हैं, बट मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने फिर रिमूव कर दिया अपना स्कार्फ़, और फिर मैंने कहा चलो मैं तो ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। सारी जो टाइल्स है ना, सारी टाइल्स को मैंने इसी से साफ़ किया, एकदम सारे दाग धब्बे जो सारे साफ़ हो गए, विंडो एरिया मतलब जितना भी मैंने ऊपर ऊपर का सारा जो है अभी पहुंच दिया सारा, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े मेरे ऊपर कल। और कल जो है वो मैं हाफ़ नीचे का करूंगी, एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है किचन का, तो इसलिए हाफ़ जो रह गया एरिया उसको करेंगे कल। आज रात में जितना हो पा रहा उतना मैं अपना काम जो है ख़त्म कर देती हूँ। विंडो वगैरह जो है इस पूरी विंडो को अच्छी तरह क्लीन कर दिया था, वैसे तो ये होती रहती है क्लीन, बट फिर भी भाई दिवाली पे ओकेज़न है तो दिवाली पे तो अच्छी तरह साफ़ करना बनता है, कोने कोने से सारा कचरा निकालना होता है। ये देखो नीचे प्लेट्स वगैरह होती है ना रखते हैं जिसमें, तो वाला एरिया ये कितना गंदा हो गया था, ये मैंने लास्ट टाइम भी नहीं कर पाया था साफ, क्योंकि मेरे से निकलती नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको बाहर निकालने में ना, बट मैंने फिर हस्बैंड को बुलाया, उनकी हेल्प ली और उनसे निकलवाया, और मैंने पता है चेंज कर लिया था, मैंने सोचा बस अब हो गया अब नहीं करूँगी साफ़ सफाई, मतलब ऊपर का सारा डन हो गया था, बट फिर मेरे को याद आया ये वाली जो ट्रॉली है ये निकलवा लेती हूँ, क्योंकि फिर ये मेरे से निकलेगी, निकली ऑफिस चले जाएंगे हस्बैंड, तो बस लगे हाथ मैंने निकाल ली और स्प्रे को उसमें नीचे छिड़क दिया अच्छी तरीके से, जब तक वो सारी जो धूल मिट्टी होगी ना इकट्ठी वो सारी कट जाएगी इतने, उसके बाद फिर मैंने धो धा के उसको रख दिया प्लेट्स वाले स्टैंड को, और फिर इसके नीचे भी वो अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद फिर हस्बैंड को बुला के फिर इसको लगवाया, और बस बाकी मैं इतना ही करूँगी, अब ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था लेट, और जीनू जब तक सोती नहीं जब तक मैं नहीं लेटूँगी जाके अंदर, तो उसको भी स्कूल जाना था नेक्स्ट डे और सबको ऑफिस जाना, तो मैंने कहा चलो भाई अब इतना ही करते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे मेरे को इतनी बढ़िया नींद आई ना साफ़ सफाई करने के बाद किचन की, क्योंकि इतनी थकान हो गई थी बॉडी में, तो नींद भी अच्छा है, और मॉर्निंग में नेक्स्ट डे जो है मेरी आँख खुल भी नहीं पाई थी, मतलब ऐसी नींद आई थी, थोड़ा लेट खुली थी, तो जीनू के स्कूल का टाइम जो है थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मुझे उसका ऑफ ही कराना पड़ा उस दिन, तो क्या ही करें और क्योंकि जो उठाना तो मेरे को ही होता है, मैं लेट उठी तो जीनू भी लेट हो गई, तो फिर मैंने उसको भेजा ही नहीं फिर स्कूल का, चलो कोई नहीं छुट्टी करा लेते हैं उसकी, तो बस साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं लेट गई थी, सो गई थी गहरी नींद, और जीनू की छुट्टी देखो हो चुकी है। नेक्स्ट डे का ब्लॉग है ये, नेक्स्ट डे जो है मैंने सारे डब्बे वब्बे सब कुछ निकाले थे, और सारे डब्बों को जो है वो धो रही हूँ मैं, इसके बाद डब्बे रखने का जो स्टैंड है उसको भी निकालूंगी, जैसे तैसे देखूंगी ट्राई करके निकल पाएगा तो निकालूंगी, नहीं तो कोई नहीं। और इधर जीनू अपना टीवी देख रही है, जीनू सो के उठ चुकी है, मैंने कहा इसका फ़ायदा उठा लिया, इनका छुट्टी है चलो, तो फिर मैं किचन को अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो बीच में गैप हो जाता है कि जीनू को स्कूल से लेने जाओ फिर लेके आओ फिर दोबारा लगो सफाई में, तो बीच में थोड़ा सा ना गैप हो जाता है। देखो मैंने निकाल लिया अपने आप ही, को ना निकालना आता नहीं है, हस्बैंड ही निकाल के कर देते थे, निकाल देते थे वो, बट मैंने उनको वीडियो कॉल किया तब पूछा तब निकाला। चलो भैया इसको साफ करते हैं, डब्बे तो मैंने सारे क्लीन कर लिए पोंछ लिए, ये कर देती हूँ, अब लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वो कह रहे हैं कि मैं आके लगा दूंगा, मना कर रहे थे वो निकालने को, बट मैंने कहा निकलवा रहे तो बहुत गंदा हो गया नीचे से ना, तो चलो साफ करते हैं सर। स्टैंड को भी मैंने अच्छी तरह पानी से धो के और पोंछ लिया अच्छी तरीके से, ताकि कुछ जंग वंग का सीन बिल्कुल ना हो, ऐसा तो लगती नहीं है, बट फिर भी मैंने पानी को अच्छी तरह वाइप कर दिया था। और फिर नंबर आया भाई इसको लगाने का, जिसमें थोड़ा सा टाइम मेरे को ज़्यादा लग गया, मतलब बट यह है कि फाइनली लग गई, मैंने हार नहीं मानी, इनका चलो उसको लगा ही देते क्योंकि डब्बे फिर बिखरे रहेंगे, क्या फ़ायदा हस्बैंड तो शाम को आएंगे, तो फिर मैंने ट्राई किया तो फिर लग गई है। और उसके बाद जो है सारे बॉक्सेस जैसे थे वो सारे बॉक्सेस लगा दिए, जो अंदर से धुलने के लिए थे उनको अंदर से धोया, और इतने में जीनू भी अपना नहा धो के आ गई थी, अपने आप नहा लेती है आजकल क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, तो फिर वो अपने आप नहा के आ जाती है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, नहीं तो बीच में फिर उसको नहलाने जाना पड़ता, अब कपड़े पहन दिए जब तक वो अंदर, वो पता है अपने लंच बॉक्स देखने आ गई थी, मतलब काफ़ी सारे लंच बॉक्स एक्स्ट्रा इकट्ठे हो रखे हैं उसके, बट अभी फ़िलहाल एक ही ले जाती है, तो कह रही थी मम्मा मेरे को अब चेंज करके लंच बॉक्स रखना, दूसरा रखना, तो सामने वाला जो है ना ये भी सारा कैबिनेट मैंने क्लीन कर दिया था, बॉक्सेस वगैरह सब धो धा के रखे थे, जो भी थे लंच बॉक्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं सामने ऐसे रख देती हूँ, ताकि बच्चों का होता है ना कि चेंज कर करके ले आते तो उनको अच्छा लगता है लंच बॉक्स या बोटल्स वगैरह पानी की,
तो इसलिए वो सारे धोधा के रखे। एंड उसके बाद नंबर आए कटलरी का, सारे जो चम्मच वगैरह सब कुछ निकाला मैंने और इसको अच्छी तरीके से पोंछा बास्केट को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है, इसको मैं पोंछती रहती हूँ ना कपड़े से, तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, तो उसको मैंने अच्छी तरह क्लीन कर दिया। चम्मच वाला जो है ये पोर्शन ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि डेली का रूटीन है चम्मच निकालना, जिन्हों अपने हाथ डालती है या कुछ गिर जाता है इसमें खाना बनाते टाइम, तो इसलिए ये क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और जो भी एक्स्ट्रा थे ना यहाँ पे कड़छी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा मुझे लग रही थी वो फिर मैंने हटा दी थी, और हटा के मैंने मतलब अलग स्पेस में रख दी थी, यहाँ नहीं रखी क्योंकि बहुत हैवी हैवी सा लग रहा था ये। और साथ में पता है मैं यहाँ पे बना रही हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी, क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी और तोरी मैं खाती नहीं हूँ, तो इसके ऐसे मेरे को बनाने पड़े टमाटर आलू, कच्चे टमाटर आलू ये बहुत कम बनते हमारे घर में मोस्टली उबले हुए खाते हैं सब लोग, तो इसलिए मैंने कहा चलो अपने लिए बना लेती हूँ, तो साथ में ये काम और बढ़ गया था एक्स्ट्रा सब्जी का। पर मैंने पता है ज़्यादा ही बना ली थी सब्ज़ी, क्योंकि पापा को भी अच्छी लगती है, उनका शाम को आएंगे पापा ये तो उनको भी दे दूँगी दाल के साथ में, तो उनको बड़ी पसंद है ये। और इसके बाद मसाला नहीं, ये भी यार मैंने नवरात्रों में धोई थी तो थोड़ी बहुत मसाला फैल गया था, वो मैंने हटा दिया, और सारे जो कटोरी उनको लगा दिया, कटोरी ऑलरेडी धुली हुई थी तो इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, डेली करते ना तो उतना ज़्यादा नहीं फैलता है। और बस ये जो बास्केट है इसको भी साफ़ कर देता है ऐसे कपड़े से पोंछ के, बहुत ज़्यादा गंदी भी नहीं थी। ये जो हैवी बर्तन वाली बास्केट है ना, इसमें थोड़े से बर्तन जो नीचे नीचे रखे रहते हैं ना, ये थोड़े से गंदे हो गए थे, इनको फिर मैंने सबको साफ़ किया जो यूज़ में नहीं आते हैं वो, और फिर इस वाली बास्केट को अच्छी तरह से साफ़ किया। बर्तनों को अच्छी तरह वाइप करके रखो ना तो इतना ज़्यादा वैसा नहीं होता, मैसी नहीं होता, गंदा नहीं होता, इसलिए मोस्टली पानी जब पूरा निकल जाता है ना बर्तनों का तभी मैं इसमें लगाती हूँ बास्केट में, ताकि बास्केट भी जो है वो लंबे समय तक चले, जल्दी ख़राब ना हो। थोड़ा सा लिया है ब्रेक बीच में, पहले हम दोनों खाना खा लेते हैं जीनू और मैं, के बाद लगूंगी दोबारा सफाई में। किचन में सच में बहुत हो जाती है सफाई, इतना घर में मुझे टाइम नहीं लगा करने में, इतना किचन में टाइम लगता है। अब नीचे की ये सारी हो गई है, सिलेंडर की साइड भी, बस सामने की रह गई है वो साफ़ करनी, उसमें ज़्यादा टाइम लगा, सिंक के नीचे साफ़ करना है बस, तो वो जगह रह गई है। तीनों को भूख लगी थी, उन्होंने चलो पहले खाना खा लेते हैं और फिर सफाई करेंगे। मैडम अपने आप नहा के कपड़े पहन लिए उसने आज, खाना खा रहे हैं अब हम, चलो खाना खा लो। और खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से लग गई अपने सामने जो डब्बे रखे थे ना, सारे डब्बे साफ़ करने, यहाँ पे सारा ग्रॉसरी का सामान है वो सारा अरेंज करके लगाना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है ग्रॉसरी के सामान में, क्या ख़राब हो रहा है और कहाँ क्या खाली करके रखना है वो सारा सामान देखना पड़ता है, एक्स्ट्रा जितना भी है उन सबको मैंने अच्छी तरीके से अरेंज किया। पहले तो इसको साफ़ किया, कैबिनेट गंदी हो गई थी अंदर से, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर साफ़ सफाई हो नहीं पाती अंदर तक हाथ डाल के, तो ये मैंने पूरा क्लीन करा सारा सामान निकाल के, और फिर उसको सारे सामान को लगाया। एंड जो सिलेंडर वाला एरिया है ना उसको मैंने ऑलरेडी साफ़ कर दिया है, पहले ही वीडियो बनाने से पहले ही साफ़ कर दिया, उसको याद ही नहीं रहा मेरे को वीडियो बनाना, तो अचार अचार के जो भी डब्बे ना वो सारे डब्बे धो धा के रखे, जो अचार बेकार थे उनको फिर निकाला बाहर, और बस यहाँ पे जो भी ट्रे वगैरह है सबको धो धा के, और ये एरिया हो गया। उसके बाद सिंक का एरिया रह गया था, तो उसके बाद मैंने सिंक का नीचे का एरिया पूरा साफ़ करा अच्छी तरीके से। एंड मैं यहाँ पे आपको टाइम दिखा रही थी कि सारी सफाई हो चुकी, ऑलमोस्ट डन, बैंड बज गई, बट ये है कि सफाई हो गई थी सारी, किचन हमारी क्लीन हो गई थी। एंड बस उसके बाद रह गया था झाड़ू पोछा, तो ये मैंने सुबह कर दिया था, बट दोबारा करना है भाई, क्योंकि किचन से पैर जो है पूरे में जा रहे थे, तो गंदा तो होता ही है एक जगह सफाई करो तो इसलिए फिर वो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया, फिर सारा झाड़ू पोछा किया। तो वही 4 बज गए, देखो अब जाके काम ख़त्म हो पाया, किचन की सफाई अब जाके हो पाई है। मैं सोच रही हूँ चाय भी बना के देती हूँ मम्मी को, फिर मैं लेटूँगी आराम से, 1 घंटा करते हैं आराम, फिर लगना है खाने पीने में, फिर खाने पीने की तैयारी करूँगी। चलो भैया मेहंदी देखो कैसे छूट रही है, अब ज़्यादा दुख होता है मेहंदी छूटने का सफाई के चक्कर में ना। चलो कोई नहीं, कल देखते हैं, कल नंबर लगाती हूँ मैं कमरे का, ड्रेसिंग टेबल वगैरह बहुत गंदी हो गई है अंदर से, सामान सारा फैला पड़ा है, सब साफ़ करना है, जो ड्रॉर्स वगैरह है ड्रॉर्स साफ़ करनी है सारी, देखते हैं कल। चलिए
तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना।